Good morning, students. So here we are today. So today class is about adjective. As we know, we have I have already told you about what is an adjective. हम आपको पहले ही बता चुके हैं adjective क्या है. So let's repeat once again the definition of adjective. So definition of adjective, what is an adjective? An adjective is a word that qualify, modify or add something in a meaning of noun, that is called adjective. Okay? तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या है और ये किस प्रकार से इसके एग्जांपल्स बताए थे. नेक्स्ट जो हम आपके सामने आप यूज कर रहे हैं, द यूजेज ऑफ एडजेक्टिव. सो व्हाट इज द यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव? वी आर टॉकिंग अबाउट here two types of uses of adjective in sentence. देखो दो तरीके से सेंटेंस में आप यूज करो, यह होता है. ओके, आर्टिब्यूटिव. ओके, आर्टिब्यूटिव. तो वॉट इज आर्टिब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव? आर्टिबिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या हो सकता है? लेट्स सी. शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. ही इज ए गुड बॉय. So as you can see on board, there are two sentences on board. First is, she is an intelligent girl. So here what will you see? It is noun, it is also a noun. So before noun, yani noun se pehle adjective aa raha hai, aur yahan par he is a boy, aur aap isme adjective jodenge to kya ho sakta hai? He is a good boy. हम जब एडजेक्टिव जोड़ते हैं नाउन से पहले, व्हेन वी एड एडजेक्टिव बिफोर नाउन, तो ये आर्टिबिटिव यूज हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर पहले जोड़ दिए, यहाँ पर हमने बाद में जोड़ा. तो इसके बाद हमने देखा कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, उस एडजेक्टिव जब आता है तो उसको हम आर्टिबिटिव यूज कहते हैं. नेक्स्ट इसमें प्रेडिकेटिव यूज. व्हाट इज प्रेडिकेटिव यूज? व्हाट इज प्रेडिकेटिव? एग्जांपल से देखेंगे. शी इज इंटेलिजेंट. सो हियर वी आर यूजिंग ओनली एडजेक्टिव वर्ड, नॉट नाउन. यहां पर नाउन नहीं है, यहां पर नाउन नहीं है. तो अगर हम विदाउट नाउन यूज करते हैं किसी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के लिए, या हियर दिस वर्ड इज क्वालिफाइज सब्जेक्ट, और हियर दिस वर्ड इज क्वालिफाइज ऑब्जेक्ट. तो यहां पर वहां पर कुछ अंतर है. ऑब्जेक्ट ये इससे रिलेटेड है, लेकिन इधर तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, बट हियर ये डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करता है और विदाउट नाउन यूज हो रहा है. सो इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव कहेंगे. So if we go through the definition of attributive use, when we use adjective, when we use adjective before noun, that qualifies object, qualify noun as object, that qualify noun as object. तो ये तो हो गया आर्टिबिटिव यूज.
नेक्स्ट व्हेन वी यूज एडजेक्टिव When we use adjective in sentence alone, it qualifies noun as subject. देखो इन दोनों को कैसे define हो रहा है इसमें. यहाँ पर आपने when we use adjective before noun that qualifies as object, यहाँ पर object को define कर रहा है. यहाँ पर केवल alone, when we use adjective in sentence alone it qualifies noun as subject. यहाँ पर intelligent अकेला word है adjective के तौर पर, ठीक है, और ये subject को qualify कर रहा है. आगे देखो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी चेंज एट्रिब्यूटिव इनटू प्रिडिकेटिव. देखो हाउ वी चेंज आर्टिबिटी इंटू प्रेडिकेटिव. तो सबसे पहले आर्टिबिटिव यूज देखेंगे. शीला इज ए गुड गर्ल, आपने लिख दिया इसका आर्टिबिटिव यूज. अब इसका आपको लिखना है प्रेडिकेटिव यूज. The girl, comma Sheila, comma is good. ठीक है. बता सकते हो the girl is good या Sheila is good भी लिख सकते हो. Sheila is a girl. Which is या फिर who Sheila is a girl who is good, जो अच्छी है. ठीक है. तो according to आर्टिबिटी और predicative use हो गया. दूसरा example देख सकते हैं. Next Manish has a Manish has the best quality of a businessman. Activity use है. Manish has the best quality of a businessman. Activity use हो रहा है क्योंकि best quality of businessman, Manish के पास best quality of businessman है. यहां पर मैन से पहले बिजनेस आ रहा है तो इसका आर्टिविटी यूज दूसरा भी लिख सकते हैं. मनीष इज द बेस्ट बिजनेसमैन. अब केवल आपको यूज करना है, ठीक है, The businessman named Manish is the best. ठीक है. तो आपने बोर्ड पर देखिए ये आर्टिबिटिव और प्रेडिकेटिव यूज होता है. कैसे था वो भी आपको बता दिया और इनको चेंज भी कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया.
बस इनको आपको ध्यान रखना है, आर्टिकुलेटिव विद नाउन और प्रेडिकेटिव विदाउट नाउन। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, वो आगे भी बताएंगे, अब भी देख लो थोड़े थोड़े जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम आगे। आर्टिबिटिव जो आर्टिबिटिव यूज है, द यूज ऑफ आर्टिबिटिव है ना एडजेक्टिव का, ठीक है, जो आर्टिबिटिव का जो एडजेक्टिव का आर्टिबिटिव यूज है, इसमें आपने देखा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, ये आर्टिकल आता है नाउन के लिए। ओके, तो हियर इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस तो देख लो एक बार, मोहन इज ए गुड कारपेंटर, ठीक है, मोहन इज ए गुड कारपेंटर। सो यहां पर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ओके, तो मोहन इज ए गुड कारपेंटर। अब देखो यहां पर ए नाउन के लिए आया है, हियर द आर्टिकल ए प्रीफर ओनली नाउन नॉट एडजेक्टिव, बट इन आर्टिबिटिव, बट इन प्रेडिकेटिव में, प्रेडिकेटिव यूज में आपने क्या देखा, देयर इज नो नाउन, देयर इज नो नाउन आफ्टर सब एडजेक्टिव। तो यदि आफ्टर एडजेक्टिव कोई नाउन नहीं है, इट मींस देन देयर इज नो आर्टिकल। इस चीज को ध्यान रखना कि यदि नाउन नहीं है और प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है, तो आप ए यानी आर्टिकल का ए एन द का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे शी इज शी इज गुड, बहुत आसान, वेरी सिंपल, शी इज गुड, शी इज गुड, शी इज ए गुड, ये रॉन्ग हो गया, बट शी इज गुड ये राइट हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। यस, अब हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया, उनके यूजेस के बारे में हम देख चुके हैं, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव के जब तक हम प्रकार यानी काइंड्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक हमें एडजेक्टिव का सही यूज़ नहीं होगा। एडजेक्टिव हमारे लिए ऐसे राइटिंग में, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग में और भी बहुत सी राइटिंग्स में हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, वेरी यूजफुल। एडजेक्टिव तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और डायरेक्ट आप किताब पढ़ लेते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये एडजेक्टिव है, इसका यूज़ कैसे हो रहा है। अगर ठीक तरीके से हमें पता हो तो हमें किताब पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हमें क्या दिखाई देता है, फर्स्ट नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स ट्रेट्स, गुण,
विशेषता, क्वालिटी. सो व्हाट इज द क्वालिटी? गुड, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, फेमस, दिस इज द पॉजिटिव सेंस ऑफ क्वालिटी. पॉजिटिव सेंस ऑफ क्वालिटी यानी विशेषता केवल अच्छी ही अच्छी होती है यहां पर. अब आगे नेगेटिव सेंस ऑफ क्वालिटी, गुड बैड, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, इंटेलिजेंट डल. ओके, ये नेगेटिव सेंस ऑफ, नेगेटिव सेंस ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, मनीष हैज ए न्यू कार. आई बॉट सेकेंड हैंड पेन. हियर कार एंड पेन इज ए नाउन. कार इज ए नाउन, पेन इज ए नाउन. ठीक है, न्यू क्वालिटी है कि वो नया है. पेन सेकेंड हैंड है, सेकेंड है. आपको लग रहा होगा कि सर ने इसको इधर, इसको इधर ऊपर, कैसे भी कर लो, वो तो आपको यूज़ करना है. सेकेंड हैंड कार यूज़ कर लो, न्यू पेन है ना. तो इस वजह से आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, ये एडजेक्टिव क्वालिटीज है, बहुत अच्छे से समझना है. इसकी आपको पीडीएफ, ओके, यू विल बी गॉट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियोस इन योर नोट सेक्शन ऑन जेडी ऐप. ध्यान रखना, जेडी ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और अब से आपसे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें आप चूज़ करें. बहुत जल्द से जल्द आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी वीडियो के माध्यम से, और स्कूल खुलने पर हम आपका स्वागत करें. सेकंड टाइप जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स, व्हाट इज क्वांटिटी हिंदी में, इन हिंदी ट्रांसलेशन दैट इज क्वांटिटी, मात्रा. दैट्स 2 किलो, 3 किलोज, 5 लीटर्स, दैट इज क्वांटिटी. बट दीज आर द नाउन. व्हाट इज नाउन ऑफ क्वांटिटी? मैटर, ऑयल, वाटर. सो व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? नो सॉरी, क्वांटिटी. सम, लिटिल, ओके, सम, लिटिल एंड एनी, मोर, मच, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, सेवरल, वेरियस, ओके, दैट इज द क्वांटिटी. यहां पर थोड़ा सा आपको डिफेक्ट होता है, वेरियस, तो वेरियस काइंड्स ऑफ आ जाएगा, तो ना कई प्रकार की हो जाएगा. मात्रा तो नहीं बता रहे, लेकिन सेवरल, कई सारे हो सकता है. तो आप वेरियस को छोड़ दो, केवल इन पे ध्यान दो. सम, लिटिल, एनी, मोर, मच, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ठीक है. सम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों के लिए यूज होता है. काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है क्वांटिटी, अनकाउंटेबल होती है क्वांटिटी, अनकाउंटेबल होती है.
सो सम अवे लिटिल, लिटिल के थ्री यूजेज हैं, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ए लिटिल, लिटिल मीन्स नेगेटिव सेंस, ना के बराबर, ओके, पॉजिटिव सेंस, ए लिटिल पॉजिटिव, लिटिल ओनली नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव में क्या आएगा, ए लिटिल। एंड वाट एवर, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, लिटिल नेगेटिव सेंस, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस, और लिट द लिटिल वाट एवर, जो कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल, राजू हैज लिटिल वाटर, राजू के पास ना के बराबर पानी है, नेगेटिव सेंस। ही हैज ए लिटिल वाटर, यानी कुछ थोड़ा बहुत, इट मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस, थोड़ा बहुत। एंड ही ड्रैंक द वाटर, या फिर इससे ज्यादा समझ में आएगा, राजू ड्रैंक द वाटर ही हैड, जितना भी उसके पास पानी था वो पी गया। इसलिए हमने देखा कि लिटिल, ए लिटिल, ये क्वांटिटी को बताते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसमें हमने आपको देखा कि ये क्वांटिटी बताने वाले वर्ड हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके एडजेक्टिव ऑफ, नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, वन, टू, थ्री, सो हियर वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज, आई हैव द फर्स्ट क्लास कार, फर्स्ट क्लास कार है हमारे पास, मेरे पास फिर मैंने बोला, उसने बोला कि ही, आई हैव द फर्स्ट क्लास कार, फर्स्ट कार, यानी आई हैव द फर्स्ट क्लास कार भी बोल सकते, फर्स्ट कार। फिर हम बोल रहे हैं कि इफ यू हैव द फर्स्ट क्लास कार देन आई हैव टू कार्स, हमारे पास टू कार्स, तीन माँ। ये आपको क्या बता रहे हैं, काउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इधर लिख देंगे काउंटेबल नाउन ओनली फॉर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना। एग्जांपल्स के थ्रू आपने देख लिया है, इसको एक बार समझो।